यहाँ पे काम चालू है, तो जब तक ये काम बनता नहीं है तब तक हम हमारा जाना मुश्किल है। तो ये टाइम हो चुका है, 7 बज चुके हैं और हम चल रहे हैं माँ कालिंका मंदिर की जो कच्ची रोड है ना उस चढ़ा। अभी अपने अनु भाई भी पहुंच गए हैं और बाकी भाई सामने दिख रहा होगा जो वहाँ पे दो लाइटें दिख रहे हैं ना, तो वो माँ कालिंका का मंदिर है। और यहाँ एक नए दोस्त नरेंद्र सिंह पहाड़ी जिनका यूट्यूब चैनल का नाम है, तो भाई हाँ ककड़ी भी कर चुके हैं देखे। ऐसा लग रहा था जैसे फ्रिज के अंदर बर्फ नहीं होती है, ऐसा हो रहा था। माँ कसम बोले तो शर्म लग रही है उनको। अभी अभी ढबे नहीं है। सुप्रभात दगड़ियों, प्रणाम पहला नमस्कार आप सभी थे। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए फिर एक और प्यारी सी वीडियो में आपका स्वागत है उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और मेरे गौशाले से जहां से मैं अभी आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। अभी भाई दोस्तों दिन का टाइम हो रहा है 11:30 और 11:30 बजे अभी मई साहब इतनी मतलब तगड़ी धूप लगी है ना कि धूप में बिल्कुल भी थोड़ी देर नहीं रहा जा रहा है। अब बारिश भी नहीं हुई है कल से, तो धूप बहुत खतरनाक हो रही है। अब ऐसे रहना पड़ेगा यहाँ पे, मस्त लग रहा है ना। तो आज भाई दोस्तों हमारा प्लान है कि हम माँ कालिंका के ट्रैक पे चलें। तो अभी संतु भाई को बोल दिया है, तो अभी 1 बजे हम यहाँ से निकलेंगे और सीधा चलेंगे माँ कालिंका मंदिर और फिर उधर ही रहेंगे। रात को स्टे हमारा उधर ही रहेगा, आज कैंपिंग सेटअप ले जाएंगे तो कैंप करेंगे उधर मंदिर में। और उसके बाद हमको कल फिर पूजा में सम्मिलित होना है, तो वहाँ 2 शेरों की मूर्ति चढ़ाई जा रही है कालिंका में, तो वहाँ उस पूजा में रहेंगे। और अम्मा निमिल नुती है तो अम्मा देखो यहाँ पे सलाद के लिए ककड़ी लेने गई है ना, तो ककड़ी हमारे सारे खत्म हो गई, एक ही बार खाई इन्होंने, दबा के ककड़ी खा दी, उसके बाद छोटे छोटे भी खा दिए ना सारे। तो अब उन छोटों ने बड़े होना था, तो अब हो भी नहीं रहे हैं, अब वो थोड़ा लेट होंगे क्योंकि अभी भाई दगड़े धूप देख सकते हो आप, धूप मतलब कितनी तेज लगी है ना, जो ककड़ी के बेल है ना वो भी कितने कैसे मुरझा रखे हैं, सारे एक ही धूप में ऐसे मुरझा गए हैं। देखो सारे सबके ना पत्ते टेढ़े हो गए, नीचे को झुक गए। अम्मा ने देखो यहाँ पे मिर्ची की धूल रखी है सुखाने के लिए, तो ये मिर्ची की धूल ना यहाँ पे हवा चल रही है तो ये उड़ रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ खिकरान कहाँ से लग रहा है, नाक के अंदर मिर्ची जा रही है, मैं बोल रहा हूँ पता नहीं कहाँ से जा रही है, वो धूल उड़ रही है वहाँ से। चलो तो भाई जल्दबाजी में मैं भी पंचा स्नान कर दिया है और अब जल्दी से खाना खाते हैं। अम्मा पंचा स्नान करो है, पंचा स्नान करो तब, तो क्या करो तब बैंकी टाइम। चलो भाई अम्मा ने छोले बनाए हैं, तो छोले पता नहीं कैसे बनाए हैं, ये तो आलू की झोली लग रही है। अच्छा जल्द जितना जल्दी कर देना उतना लेट होता है। ठीक कर दे। तो चलो भाई दोस्तों मैंने कर दिया है खाना और अम्मा अभी खा ही रही है, तो चलो अम्मा हम चलते हैं, है ना। गुड बाय टाटा बाय बाय। अब बरसात कल जाए, ये कौन डाल जाए, जैकेट भी डाल जाए, टी शर्ट भी डाल जाए, सब डाल जाए। अब तो भी मेरा है ना, ये देखो जरा ये फ्रूटी कैसे पी रहा है, अभी तिल भी पीना क्या, फ्रूटी पी मैं तुम्हें। ठीक तो चल तब हाँ पोरू लम हो। चलो दगड़ो वैसे कालिंका भी ज़्यादा दूर नहीं है, मिनिमम यहाँ से 30 किलोमीटर होगा या 30 से ज़्यादा होगा, ऐसा हमने अभी देखा नहीं है मैप पे, तो रास्ता वैसे पता है ना हमको, तो इसलिए मैप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 30 किलोमीटर से ज़्यादा होगा या कम होगा पता नहीं है, बट 30 किलोमीटर तो मिनिमम है ही, तो इतना मतलब शाम तक पहुँच जाएंगे वहाँ।
तो देखते हैं मौसम क्या करता है। अभी तो मैं भाई संतु भाई के घर के नीचे पहुंच गया हूं, तो संतु भाई के घर पे जाना पड़ रहा है क्योंकि कल उनकी साइकिल का ना जो पैडल पे कप रहता है ना लगा हुआ, जो बैलेंस रहता है, तो वो बैलेंस कल टूट रखा था, तो संतु भाई उसी को जोड़ने पे लगे हैं अभी तक। तो देखते हैं उनके घर जाके उनकी साइकिल ठीक हुई कि नहीं हुई। अभी मैंने कॉल किया था ना तो बोल रहे थे साइकिल थोड़ा सा डगमगा गई है, तो मैंने कहा चलो ठीक करते हैं उसके बाद निकलेंगे, कहीं रास्ते में प्रॉब्लम आ गई तो वो भी दिक्कत ही है। और फिलहाल के लिए ना मौसम भी बिल्कुल बढ़िया हो गया है, तो थोड़ा सा धूप लग गई है तो मस्त सा लग रहा है, अब साफ हो गया ना इस तरफ से मौसम पूरा साफ हो गया है। और यहाँ पे आते ही भाई दोस्तों देखो यहाँ पे काम चालू है, तो जब तक ये काम बनता नहीं है तब तक हमारा जाना मुश्किल है, तो ये काम बनना चाहिए। कैसे हो रहा है फिर? तो ऐसा है कि मतलब ना हम तो काम चलाओ तो बना देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं काम तो चला देंगे, बट वही कहीं पे फिर पंगा पड़ेगा तो फिर दोबारा उसको वही खोलना पड़ेगा, वही खोलना पड़ेगा। तो एक दिन इसको रामनगर दिखाना पड़ेगा ना, बाद में दिखाना पड़ेगा इसको, कभी आज चल जाएगी ना राइड में जाएगा। हाँ आज चलनी चाहिए, बाकी तो चलो भाई फाइनली अभी टाइम हो चुका है, ये देखो टाइम हो चुका है 3 और अभी हम संतु भाई के घर पे हैं। तो अब जाके हमने फिर से ना पुराना सामान लगाया है, तो अब उससे थोड़ा सा जुगाड़ बना है, तो अब ठीक चल रही है, अब ना चैन उतर रहा है ना कुछ हो रहा है। अब निकलते हैं यहाँ से फटाफट से, पता नहीं अब कालिंग तब तक आप लोग चाय पियो, तब तक मिलते हैं हम आपको, तैयार होके कालिंग जब पहुँचेंगे हम 7-8 बजे रात। लौंडे अभी वहाँ के ना जो परसों मिले थे हमको नरेंद्र ने की पहाड़ी, तो उनका कॉल आया था कि मेरे साथ के 1-2 लड़के आ रहे हैं कैंपिंग करने आपके साथ मंदिर में, तो हमने कहा चलो चलते हैं, तो देखते हैं कहाँ तक आते हैं। फिलहाल चलो मालिक हाथ धुलो, हाथ देखो कैसे हो गए यार है। हाँ ऐसे ही चलो, बस दगड़ियों अब जल्दी से पहुंचने की देर है, बस अब जल्दी से कालिंग का मंदिर में पहुंच जाए तो बढ़िया हो जाएगा। सूर्यदेव ने भी बढ़िया सी धूप कर दी है, जाने में मजा आएगा, बारिश का कोई संभावना नहीं है, तो अब निकलते हैं और बाकी सामान हमने पैक कर दिया है। तो काफी टाइम हो गया भाई, 4 बज गए संतु भाई, तो अब निकलते हैं भाई यहाँ से जल्दी से और मिलते हैं आपको सीधे राइड में, ठीक है। तो भाई दोस्तों अभी हम तो आ गए हैं, हमारे पीछे से देखो सिम्बा भी दौड़ के आ रहे हैं, वो देखो वो जाएगा ही नहीं, वो साइकिल के पीछे पीछे आ रहा है, वो देखो कैसे भाग के आ रहा है नहीं ये मेरे को लग रहा है सीधे कालिंग का था कि हमारे साथ आ जाएगा। और बाकी ये अपने भाई टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं, तो कैसी है? इतना बंदे ठीक से उच्च में लगनू है अभी चलान में। अरे ये हमारी छुकछुक गाड़ी है ना वैसे तो सामने दोस्तों आपको वो गांव दिख रहा होगा, तो ये रैनीहाट गांव है, तो ये तल्ला रैनीहाट है और इसी के ठीक ऊपर एक गांव और है, तो वो मल्ला रैनीहाट है। और यहाँ से देखो यहाँ से नदी की कलकल की आवाज कितनी मस्त आ रही है, बिल्कुल प्यारी सी भाई। यहाँ पे आके ना दगड़ियों मस्त सा लग रहा है, क्योंकि चारों मतलब ना चारों नदियों के बीच में ना यहाँ पे शिव का मंदिर है, कितना प्यारा सा मंदिर लग रहा है। देखो यहाँ से भी गदेरा है, नीचे से भी गदेरा है, इस साइड से भी गदेरा है, चारों तरफ से, और बीच में बना है हमारे महादेव का एक छोटा सा मंदिर। कालिंग का मंदिर लगा लो आप, 14 किलोमीटर बचा है, जैसे हमारा परसों का ट्रैक था ना सेम वैसा ही ट्रैक है 30 किलोमीटर का। तो चलो फिर यहाँ से भी निकलते हैं आगे जल्दी से, टाइम बचाते हुए अपना। बाकी दोस्तों पीछे देखो आर्मी मतलब पहाड़ी बंदे भाई, कुछ अलग ही स्वैग रहता है, एक बार सामने से दिखाता हूँ आपको। तो भाई मेरे को लगता है जितना तक कि क्या पता फौज में होंगे या फिर फौज की तैयारी कर रहे होंगे। अरे आओ भाई जी, राम राम,
तो भाई जी आर्मी की तैयारी कर रहे हो क्या? हम किनगोड़ी खाल से। अच्छा भाई साहब देखो आर्मी मतलब हाँ हाँ तो बस भाई मेरे कहने का मतलब ये है ना कि पहाड़ियों के खून में ना दो ही चीज़ें दौड़ती है, या तो फौज के लिए वो खून रगों में बहता है और लास्ट ऑप्शन बचता है तो वो होता है सैफ का। बाकी भाई दोस्तों मंगरों में पहुंच चुके हैं और मंगरों में आके ना मेरे को गांव वाली फीलिंग कुछ ज़्यादा ही आ रही है, क्योंकि यहाँ देखो पूरा मंडवा झुमुरा ना यहाँ सारा हो रखा है, मतलब यहाँ उतने जानवर नहीं होंगे क्योंकि फसल को देख के लग रहा है। भाई बोड़ी नमस्कार, ठीक ठाक? तुम रे बन खेती ठीक ठाक जा ना? हाँ ये कदम बढ़िया मंडो हुई हूँ झुंगरू। हाँ हम तो पछड़ भी भूल गया। हाँ, तो हम गढ़वाल किनगोड़ी खाली साइड है। हाँ गाँव कोटा। अच्छा कोटा। हाँ कोटा मैंदोली। हाँ और कहीं जाना घास गणे? अच्छा सोतर। ठीक 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 ठीक। तुम क्या खाना चाहो हैं? मिरिंडा आंटी। हम परी गढ़वाल। नाम किनगोड़ी खाल। आ तुम्हें मिरिंडा की खाना सर्दी नहीं लगना? हाँ ताला खंड नहीं लीजू लन लहरा। अभी दोस्तों शाम का सनसेट का टाइम है और यहाँ देखो मतलब पहाड़ों में अक्सर छोटे छोटे गांव में ना सारे जगह आजकल पहाड़ी मोर्टिन जलाई जाती है क्योंकि मच्छरों के लिए ना, और इससे मच्छर नहीं आते हैं, जो भी एक्स्ट्रा झाड़ पात या गाय का गोबर रहता है ना तो उसको आग लगाया जाता है, उससे धुआं किया जाता है तो उससे मच्छर नहीं आते। जैसे अभी यहाँ पे ठीक हो रखा है और ठीक आप उधर को देखोगे तो मंगरू गांव में भी वैसे ही धुआं हो रखा है थोड़ा थोड़ा। और जहाँ से हम अभी आए हैं तो वो वाली एंड वाली पहाड़ी है भाई, जो आपको जहाँ उंगली के सीस्ते में दिख रहे ना एंड वाली पहाड़ी, तो वहाँ से हम आ चुके हैं। अरे भैजी तुम यहाँ तक पहुँच गए? सचिन पवार ब्लॉग। तो यहाँ देखो भैजी भाई वहाँ मिले थे हमको और वहाँ से यहाँ पहुँच गए। कितने किलोमीटर रनिंग करते हो रोज? सात किलोमीटर चौदह किलोमीटर डेली। अरे हाँ प्रॉपर किनगोड़ी के नीचे ही रहते हैं हम। अच्छा हाँ ये देखो यहाँ से अलग हो गई थी मेरे, ये तो बिना ब्रेक के साइकिल भी चलानी पड़ती है भाई। चलो भाई दोस्तों अभी करीबन टाइम हो चुका है, 7 बज चुके हैं और हम चल रहे हैं माँ कालिंका मंदिर की जो कच्ची रोड है ना उस चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं अभी। तो पहुँचते पहुँचते काफ़ी रात हो गई और रात हमको किस कारण से हुई था, जिस साइकिल के जिस पार्ट को हमने सुबह लगाया था ना तो वो पार्ट बहुत ज़्यादा घिस गया है, तो संतोष भाई की साइकिल बार बार चेन उतार रही थी तो उस कारण से हमको थोड़ा सा लेट हो गया। सामने दिख रहा होगा जो वहाँ पे दो लाइटें दिख रहे हैं ना, तो वो माँ कालिंका का मंदिर है और यहाँ से गेट स्टार्ट होता है। फिलहाल यहाँ पे तो मार्केट में पहुँच चुके हैं और बाकी मिलिए हमारे एक नए दोस्त नरेंद्र सिंह पहाड़ी, जिनका यूट्यूब चैनल का नाम है। तो भाई दोस्त दूसरी बार मिल रहे हैं और दूसरी बारी में ही हमारा मतलब एक साथ ब्लॉग बन रहा है अब, और कैंपिंग भी हो रही है। तो नरेंद्र भाई कुछ बोलना चाहोगे? हाँ भाई आपके साथ फर्स्ट नाइट कैंपिंग होगी और मुझे लगता है बहुत अच्छी कैंपिंग होगी। हाँ। और फ्यूचर में भी करते रहेंगे बिल्कुल, और काफी मजा आने वाला है दोस्तों ब्लॉग में, आप बने रहेगा। और बाकी अभी नरेंद्र भाई के साथ तीन बंदे और आने वाले हैं, तीन आ रहे हैं ना? हाँ, दो आ रहे हैं शायद, एक दो। अच्छा तो दो बंदे और आ रहे हैं, फिर हम 5 बंदे हो जाएंगे, तो थोड़ी देर में निकलते हैं यहाँ से। चलो भाई दोस्तों अभी अपने अनु भाई भी पहुँच गए हैं और बाकी भाई का नाम सुनील, तो अभी काफी टाइम हो चुका है, आधा घंटा लेट हो भाई पूरा आधा। तो ज्यादा लेट नहीं करेंगे, नहीं सीधा चलेंगे। तो बाकी भैजी के चैनल का नाम है अनु रावत UK01, तो उनके चैनल को भी देख सकते हो। और बहुत शर्म लग रही है उनको। नहीं नहीं मिले ना। अभी ढबे नहीं है। वो बात भी सही है, अभी ढबे नहीं। बाकी नरेंद्र भाई हम हमको परसों मिले थे ना, वो तो थोड़ा सा वो हमारे साथ घुल मिल गए हैं। बाकी अनु भाई अभी मिल रहे हैं, तो अनु भाई को थोड़ा सा आधा घंटे बाद देखना, तो मौसम फिर अपने आप बदल जाएगा।
देख रहे हैं ठीक ऊपर है जूनागढ़ी गाँव। अच्छा, ऊपर सबसे ऊपर जूनागढ़ी मंदिर। तो चलेंगे कभी उस डेस्टिनेशन पे? बिल्कुल भाई, आप हमसे कॉन्टेक्ट रखना, बिल्कुल हमेशा साथ चलेंगे। बाकी उत्तराखंड यात्रा चालू है, स्ट्रगल ये यार, ये संतोष भाई ये तुम्हारी आदत उनमें झलक रही है, वहाँ स्ट्रगल चालू है। तो ये देखो भाई दोस्तों, हमको ना साइकिल भी ले जाने हैं हमको सीधा धर्मशाला में, तो धर्मशाला में खड़ी कर देंगे। उसके बाद अपनी कैंपिंग की लोकेशन चूज करेंगे कि कहाँ को हमको कैंपिंग करनी है। फिलहाल रात में तो एक समान दिख रहे हैं सारे पहाड़, तो व्यू का कोई पता नहीं। बाकी दगड़ियों आग भी हमने जला दिया है बढ़िया से, और पानी भी ले आए हैं, तो टेंट यहाँ पे कुछ ऐसे। और यहाँ संतोष भाई देखो ठंड से मर रहे हैं अब यहाँ ना इस साइड को काफी ज्यादा ठंडा होता है, और जनवरी के टाइम में तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ बर्फ ही बर्फ रहता है भाई जनवरी के टाइम में। ये देखो पैक पिंग है, माहौल गर्म हो जाएगा। ककड़ी लाए हम, ककड़ी लाए हैं दोस्तों। जैसे कि ककड़ी का सीजन आ चुका है, लेकिन इस बार जो है काफी लेट भी हो चुका है ककड़ी, मतलब फल वगैरह लगना ना, क्योंकि बारिश टाइम से नहीं हुई थी, पर हमारे हो गए पर हमारे हो गए। तो दोस्तों ककड़ी कैसे करते हैं, जिस तीखापन होता है वो निकल जाता है, और ये हर किसी पहाड़ को पता होगा। बिल्कुल सही। अब देखिए अभी जैसे घुमाएंगे ना थोड़ा गांज वगैरह निकलेगा। तो चलिए दोस्तों ककड़ी भी कर चुके हैं, देखिए तो दोस्त अभी ककड़ी भी कर चुके हैं, ककड़े एकदम मस्त मस्त चीरे हो चुके हैं। देखिए ये देखिए भाई लोग ककड़ी लाए, सचिन भाई और संतोष भाई। तो चलो भाई दगड़ियों अभी जल्दी से मैगी बनाने की प्रक्रिया चालू करते हैं। बाकी दगड़ियों अभी 10:30 बजे की चाय चल रही है हमारी फिलहाल, और साइड में हमने पानी भी रख दिया है मैगी के लिए, तो पानी भी गर्म हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो दोस्तों आज का 10:15 बजे चाय पी रहे भाई, अभी तो खाने की कुछ बात विचार नहीं है उसके बारे में, हमने सोचा ही नहीं है, सोचा ही नहीं है। अभी देखते हैं क्या बनाते हैं, मैगी बनाते हैं, दूध पी के सो जाएंगे। चलो भाई दोस्तों अभी मैगी खाते हैं, और फिर उसके बाद अपना वीडियो एडिटिंग का काम शुरू करेंगे। आज भाई दोस्तों हम चम्मच भी नहीं लाए हैं, तो चम्मच इसको बनाना पड़ रहा है। ये देखो भाई कुछ इस तरीके से यहाँ पे चम्मच का प्रयोग किया जा रहा है बैठने के, और वह और सेम वही काम नरेंद्र भाई भी कर रहे हैं भाई। पहाड़ी और लो जुगाड़ी पहाड़ी। चलो भाई दगड़ियों अभी खाना भी हो गया, तो अब सोने की तैयारी। तुमने तब से सामान नहीं लगाया क्या? आओ लगा रहे हो तुम। तुरंत दान महाकल्याण।